हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने वाली हूँ कॉर्नफ्लोर नाचोस, सभी बच्चों के फेवरेट नाचोस। तो शुरू करते हैं बनाना। एक मिक्सिंग बाउल लेकर उसमें 3/4 कप कॉर्नफ्लोर ऐड कर देंगे, 3/4 कप खपली व्हीट आटा, दोनों सेम क्वांटिटी में लेने हैं, 1 टीस्पून रॉक सॉल्ट या इच्छा अनुसार, 1 टेबलस्पून फ्लैक्सीड पाउडर। इसको हेल्दी बनाने के लिए सभी को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और ऐड कर देंगे 2 टीस्पून कोल्ड प्रेस कोकोनट ऑयल। इसे भी अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। अब थोड़ा थोड़ा पानी लेकर ज़रूरत के हिसाब से इसका हम एक चपाती जैसा स्मूथ डो लगा लेंगे। ज़रूरत के हिसाब से डालते हुए ये हमारा डो रेडी हो गया। इसको 10 मिनट का रेस्ट देने के बाद चकले बेलन पर थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेके जैसे हम चपाती बनाते हैं उसी के हिसाब से बना लेंगे। सूखे आटे की हेल्प से पतली चपाती, जितनी पतली बेलेंगे उतने ही अच्छे नाचोस बनेंगे। अभी हमारी पतली रोटी बेल गई तो अब हम एक पिज़्ज़ा कटर लेके इसको चारों तरफ से एक्स्ट्रा पोर्शन को काट कर स्क्वायर शेप दे देंगे और उस पोर्शन को निकाल कर फिर से यूज़ करेंगे। अब हम इसे ट्रायंगल शेप में काट लेंगे। जब तक ये कट रहे हैं हम अपने ओवन को 180 डिग्री पर प्री हीट कर लेते हैं। सभी नाचोस को काट लेंगे ट्रायंगल शेप में और एक बेकिंग ट्रे लेकर बटर पेपर बिछाकर सभी नाचोस को फैला देंगे और फोक की हेल्प से हम उनको बीच में छेद कर देंगे ताकि ये फूले नहीं, क्रिस्पी रहे। अब हम इसमें 180 डिग्री पर 5-6 मिनट के लिए इसको बेक कर लेंगे जब तक कि ये क्रिस्पी ना हो जाए। हो गए हमारे नाचोस तैयार। वीगन म्यूनिस के साथ खाइए और इसका टेस्ट लीजिए। तो कॉर्नफ्लोर नाचोस के कुछ हेल्दी आइटम्स डिस्कस करते हैं। कॉर्नफ्लोर, कॉर्नफ्लोर में काफी क्वांटिटी में फाइबर्स होते हैं जो कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी रखने में हेल्प करते हैं, हमें कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम से बचाते हैं। कॉर्नफ्लोर में प्रोटीन होता है जो कि हमारी बोन्स को हेल्दी और स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करता है। ये हमारी गट हेल्थ के लिए फायदेमंद है। ये कैंसर और टाइप 2 डायबिटीज के रिस्क को भी कम कर देता है। खपली व्हीट आटा, ये गेहूं का ही आटा होता है पर लाल गेहूं का। ये नॉर्मल व्हीट फ्लोर के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा हेल्दी होता है। इसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि बॉडी को हेल्दी रहने के लिए ज़रूरी होते हैं। इसमें काफ़ी क्वांटिटी में फाइबर्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी को कई बीमारियों से बचाकर उसे हेल्दी रखने में फायदा करते हैं। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, इस वजह से ये ब्लड में शुगर लेवल कम करने में हेल्पफुल है, तो शुगर प्रॉब्लम वाले लोगों के लिए ये अच्छा है। इसमें बाकी ग्रेन्स के मुकाबले फाइबर भी बहुत ज़्यादा होते हैं जिस वजह से ये वजन बैलेंस रखने में भी फायदेमंद है। ये हमारी स्किन को भी हेल्दी और ग्लोइंग बनाता है। इसमें ग्लूटेन काफ़ी कम होता है। फ्लैक्स सीड्स, फ्लैक्स सीड्स को सुपर सीड्स भी कहते हैं। इसमें काफ़ी क्वांटिटी में प्रोटीन, फाइबर्स और ओमेगा-3 फैटी एसिड्स होती हैं जो कि मसल स्ट्रॉन्ग करने, डाइजेशन हेल्दी रखने के लिए ज़रूरी होते हैं। इसमें काफ़ी क्वांटिटी में थायामिन होता है। ये हमारे मेटाबॉलिज्म को स्ट्रॉन्ग बनाने और सेल्स के स्मूथली फंक्शन के लिए ज़रूरी है। फ्लैक्स सीड्स में कॉपर भी होता है जो हमारे ब्रेन डेवलपमेंट और इम्यून सिस्टम को हेल्दी रखने के लिए ज़रूरी है। फ्लैक्स सीड ब्लड में कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने में भी फायदा करते हैं। ये वजन कम करने में भी हेल्पफुल हैं। देखा फ्रेंड्स, खाने में टेस्टी नाचोस किसी भी डिप वीगन मेयोनीज के साथ खाइए, टेस्ट के साथ साथ हेल्दी रहिए। ओके फ्रेंड्स, ये ऐप को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू, फिर मिलेंगे हेल्दी रेसिपी के साथ।